नमस्कार जोहार, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभौर। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। और आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिवस है जो कि पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और इनकी जयंती में, इनकी याद में ये दिवस को मनाया जाता है। और इस क्रम में आज मैं बात कर रहा हूँ जवाहर विद्या मंदिर शामली रांची के प्रिंसिपल डॉक्टर समरजीत जाना सर से। जाना सर काफ़ी जाना माना नाम है, एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये वही स्कूल है जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी आते थे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची 90.4 एफएम में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज शिक्षक दिवस है और जो नई शिक्षा नीति हमारे लिए आई है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आई है इस वक्त, जो कि आने वाले कुछ सालों में लागू भी हो जाएगी, उसको आप कैसे समाज के लिए उपयोगी समझते हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति में बहुत खूबियां है। इसका पहले खूबियां जो है ना, जो 5+3+3+4 ये जो सिस्टम लाया गया, 5 मतलब आपका 3 साल प्री प्राइमरी, मतलब नर्सरी का पहले जो एक लोअर केजी और ये सब अपर केजी, लोअर केजी या नर्सरी, मैंने स्टैंडर्ड 1 का पहले 3 साल। कभी भी भारत में इस चीज में कभी ध्यान नहीं दिया गया था। इसको मशरूमिंग हुआ, कई स्कूल खुल दिया, प्ले स्कूल है उसमें बच्चा जा रहा है, प्ले वे मेथड है, किसी का किंडरगार्टन है, किसी का मंटेसरी मेथड है, पर उसमें कोई गाइडलाइंस नहीं था। नया शिक्षा नीति में पहले 3 साल बच्चे का 3+ एज ग्रुप से 3+4+5+ और कई कई जगह 2+ से भी शुरू हो जाता है ना मेट्रो सिटीज में, तो इसमें बच्चा थोड़ा सा अभी एक गाइडलाइन का तहत पे आगे बढ़ेंगे, ये जरूरी था। और बाकी फाउंडेशन 3-5 होगा, उसके बाद मिडिल स्कूल है, उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th जो है उसमें भी एक कंटिन्यूएशन रखा गया है। 10th का बाद कोई अलग नहीं है, 11th एक पारंपरिक, 10वीं का बाद 11वीं आएगा, वो पारंपरिक हो गया है ना। तो ये एक बहुत बड़ा खूबिया है स्कूल लेवल का एडुकेशन। और हायर एडुकेशन कॉलेज लेवल में मेरा जो समझ में है, ये एकेडमिक क्रेडिट का बहुत बड़ा महत्व है। कोई एक बच्चा, कोई एक बच्ची शादी हो गया, पढ़ाई छोड़ दिया, 1 साल पढ़े, उसके बाद फिर ये जो पुनः पढ़ाई चालू करेंगे तो इसका 1 साल बेकार नहीं जाएगा, ये बात। तो ये बहुत अच्छा पहलू है जो कभी पहले नहीं सोचा गया था। अभी क्या होता है, एक स्टूडेंट पढ़ाई 2 साल करने के बाद छोड़ दिया तो उसको फिर दोबारा फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ता था, पहले वर्ष से शुरू करना पड़ता था, वो नहीं रहेगा, एकेडमिक क्रेडिट बैंक में उसका क्रेडिट रह जाएगा। तो ये सब एक अच्छा चीज है। बिल्कुल मगर सर, एक चीज हमारा समझ में नहीं आया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये तो ठीक है प्राइवेट स्कूल हम लोग है, हम लोग तो अपना तरफ से पूरा कर रहे हैं। हम आज प्रश्न उठा रहे हैं, आप बताइए कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चे का पास ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच रहा है? हम लोग तो फिर भी पढ़ा रहा, हमारा पास भी, हम 100% नहीं दावा नहीं कर सकते हैं, हमारा 70-80% बच्चे फॉलो करते हैं, बाकी 20% बच्चे अभी भी वंचित रह जाता है क्योंकि उनके पास शायद छोटा मोबाइल है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। मगर गवर्नमेंट का जो बच्चे हैं वो तो बच्चा पढ़ाई, हमको लग रहा है अप्रैल से, अभी सितंबर आ गया, अगस्त तक तो पढ़ाई एक भी पन्ना भी आगे नहीं गया। बिल्कुल सर, ये तो एक कमी है सर, बिल्कुल सर, इसके ऊपर भी बहुत जरूरी है कि कोई सरकारी के तरफ से ठोस कदम उठाया जाए। वीडियो, हम एक वीडियो देख रहे थे तो देखते देखते मेरा आंसू आ गया। एक पेरेंट सुबह बच्चे को तैयार करके बोल रहे जल्दी चल चल चल, अभी वो क्या किया, साइकिल का पीछे बिठाया और बिठा के लगभग हमको लगा 10-15 किलोमीटर साइकिल लेके दूर जाना पड़ा और वहां जाके उसको नेटवर्क मिला। तो बच्चे फिर ईटा सेट करके बैठे और नेटवर्क जब मिला तो वो नेटवर्क में पढ़ाई कर रहा है, पापा पॉकेट से 2 बिस्किट दे रहा है उसको। तो आप सोचिए, ऐसा भी गांव है जहां पर नेटवर्क नहीं मिलता, नहीं मिलता है, वहां क्या ऑनलाइन पढ़ाई होगी? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे और हमारी शिक्षा व्यवस्था में इसका असर अभी इस कोविड काल में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सर एक अच्छे शिक्षक की अगर बात की जाए तो उसमें आप कौन कौन से गुण देखते हैं? शिक्षक सभी टाइम
बदलना चाहिए, परिवेश परिस्थिति का अनुकूल आपको ये माने रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। जैसा हमारा संविधान है, संविधान में हमारा फर्स्ट है ये रिजिड है बट इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो। बिल्कुल। तो शिक्षक का भी आप जैसा स्थिति आ रहा है, जैसा युग आ रहा है, उसमें आपको अपना जो वैल्यूज है वो भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बुरा हो रहा है कि अच्छा हो रहा है वो नहीं बोलेंगे, मगर शिक्षक को अपना वैल्यूज का साथ साथ, अपना चरित्र का साथ साथ, जैसा युग आ रहा है, जैसा चाहत है समाज की, देश की, जनता की और राष्ट्र की, उस चाहत का साथ साथ शिक्षक को बदलना चाहिए। बिल्कुल सर, समय के साथ होना चाहिए। हाँ, समय के साथ परिवर्तन बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे गुण है जो स्टूडेंट बनने के लिए बेहद जरूरी है? स्टूडेंट्स का गुण वही है, हम जितना बार हार जाए मगर हारे नहीं है, हम तीसरा बार जरूर जीतेंगे। ठीक है, दे शुड नॉट बी लीव द होप, आशा नहीं छोड़ना है। एक होप ही है, एक आशा ही है जिसको जिंदगी भर जीवंत रख सकता है। दे आर अलाइव विद दैट होप। ये चीज सभी बच्चे को याद रखना है। आज जो असफलता आई है वो सामयिक है, मगर आगे आपका सफलता आएगा ही। आपको मेहनत करना है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, और कोई बिना मेहनत का कुछ मिलता भी नहीं। बिल्कुल सर, बिना मेहनत के कोई नहीं मिलता। और वो कहते भी हैं, कबीर का दोहा भी है कि आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन ज़रूर आप सफल होंगे। सर, शिक्षक दिवस पर जाते जाते सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक भावुक पल जो आप शेयर करना चाहें स्टूडेंट और शिक्षक के जो संबंध होते हैं उसके ऊपर, आपके आपकी कोई ऐसी याद हो, कोई स्टूडेंट की याद हो जिसने आपको भावुक कर दिया हो? देखिए, मेरा जिंदगी में दो शिक्षक का नाम हम लेना चाहेंगे जी। एक शिक्षक हम जिंदगी में उनका संस्पर्श में तो नहीं आया, फोटो देखे, उनका बातें सुने, उनका वीडियो देखे, उतना ही देखे, वो है स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल, है ना। हम रामकृष्ण मिशन में पढ़े हैं, हॉस्टल में रहे हैं, उन्हीं का भावधारा विचारधारा था, अच्छा नहीं लगता था, मगर आज का जिंदगी में हर पल में हम उनको महसूस करते हैं। ये एक मेरा हम उनको अपना शिक्षक मानते हैं। उनका जब हम खुद थोड़ा सा डिप्रेशन में कि कभी मन थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उनका जो किताब लिखी हुई है उसको पढ़ता हूँ, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। और दूसरी बात है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हम जिंदगी में चार बार उनसे मिले हैं, एक बार उनका हाथ से प्राइज भी लिए है, है ना। तो तीन, एक वो शिक्षा की हम मानेंगे उनको। इनका एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक अपने कुछ ज्योति रेडिएट करते हैं, विकिरण करते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम के पास कोई पहुंचे तो आपको लगेगा कि उनसे कुछ आपका मिल रहा है। तो ये एक अच्छे शिक्षक थे। और जब भी हमसे मिले, जब भी हम तो अकेला नहीं मिले, गोष्ठी से मिले, मगर जब भी मिले तो हमको कुछ लगा जो आई गेन समथिंग, हमको आज कुछ लाभ हुआ। ये एक बहुत बड़ा अनुभव है और हम ये दोनों को हमारा अपना जीवन का शख्स माने शिक्षक मानते हैं। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। अब इसमें देखिए, आज धर्म के लिए ये शिक्षक के कोई भेद नहीं होते हैं, सब शिक्षक शिक्षा देने के लिए जो आते हैं, और माता पिता जो गुरु है आपको जो जन्म दिए। तो हर शिक्षक दिवस में हम पहले हमारा माता पिता और हमारा शिक्षक गण जो है उनको जरूर याद करें। जी सर, अभी आपने एपीजे अब्दुल कलाम से मिले पुरस्कार और सम्मान के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में कुछ और बताएं हमारे लिसनर्स को, क्या था वो, किस तरीके से क्या हुआ था? नहीं, हम तो भोपाल, हमारा सहोदय का ये होता है, कॉन्फ्रेंस होता है जी। तो कॉन्फ्रेंस में हम दो बार उनसे मिले, एक बार यहाँ पर जादूगढ़ा माइंस में भी आए थे, तो तब भी हम गए थे वहाँ जमशेदपुर के पास, है ना, एज ए प्रिंसिपल ही गए थे। तो उस टाइम जो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल जो काम किए हैं उनका कुछ पारितोषिक और सम्मान और सर्टिफिकेट दिया गया था, उन्हीं का हाथ से मिला था जी। तो ऐसा एक राष्ट्रपति जो अपने जीवन में पहले अखबार देता रहता था और आज धीरे धीरे मिसाइल मैन बने, भारत के सबसे बड़ा वैज्ञानिक
डिफेंस का डीआरडीओ का है बिल्कुल, और फिर भारत का राष्ट्रपति। मगर जब चले गए तो उनको जो पार्थिव संपत्ति थी, दो शर्ट, दो नीला रंग की कोट और दो पैंट, चार शायद नीला रंग की ब्लेजर कोट और दो पैंट, इतना इसका बिना और कुछ किताब, इसका बिना और कुछ इतिहास। तो ये आदमी हम तो समझते हैं कि एक महात्मा है। महात्मा बहुत तरीका का होता है, बहुत ढंग की होते हैं। ये महात्मा जो है, इससे हर आदमी का जीवन बहुत संपूर्ण हो जाता है। इनसे मिलना भी उनको लगता है बहुत। सर बहुत अच्छी और सही जानकारी दी आपने, और महात्मा महामानव थे एपीजे अब्दुल कलाम। और आज शिक्षक दिवस है, और आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए समरजीत जाना सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी श्रोताओं की भी बहुत बहुत धन्यवाद आने वाला शिक्षक दिवस के लिए। और हौसला मत करिए, एक दिन अंधकार नहीं रहेगा, हम लोग सूर्योदय अब फिर देखेंगे, फिर बच्चे हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, स्कूल में आएंगे, और टीचर, बच्चे और अभिभावक बहुत अच्छे तरीका से नया जिंदगी, नया दौर शुरू। जी, ये थे डॉक्टर समरजीत जाना, जो कि प्रिंसिपल हैं जवाहर विद्या मंदिर शामली रांची के, और हमसे बातें कर रहे थे। थैंक यू सर। थैंक यू।